को नहीं लगता वो वायलेंट है थोड़ा सा? नहीं वो तो गेम है, असली में तो ही ना ठोक रहे चुपेट गेम है पबजी। लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद पबजी और ना ही किसी को खेला जाए बिकॉज नानी ओमाए वा मू सिंदेइरु। वैसे पाकिस्तान का तो ये रोज का चलता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ तो बैन होना ही है। अब जब इंडिया ने टिकटॉक बैन किया तो पाकिस्तान का भी तो फर्ज बनता है कि वो भी कुछ बैन करे। आखिर बेटा बाप से नहीं सीखेगा तो क्या पड़ोस वाले चचा जी से सीखेगा? सॉरी कौन बोला, मैं क्यों बोल रहा हूँ। वैसे अपने बच्चों को पड़ोसियों से दूर रखे क्योंकि चचा जी सस्ता गांजा फूंक कर कुछ भी बोलने लगते हैं। बड़ी खबर ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अयोध्या और श्रीराम को लेकर जो बयान दिया था इसको लेकर भारत ने अब आपत्ति जाहिर की है साधु संतों की सर्वोच्च संस्था। ये बैकग्राउंड में धूम धड़ाने वाले साउंड इफेक्ट्स देना जरूरी था? ओ भाई, एक तो ये न्यूज चैनल वाले हद ही करते हैं, हर चीज को इतना ड्रामेटिक बना देते हैं कि क्या ही बोलूं। और उस पर ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले, ओहो माशाल्लाह, इनके तो क्या ही कहने। पाकिस्तान में कुछ भी हो गलती तो इंडिया वालों की होनी है। और कमेंट्री चल रही होती है, और जब कमेंट्री चल रही होती है कमेंट्री, उसमें आप देखें कि सबसे ज्यादा इसमें इंडियन जो है ना माफिया, वो है इंडियन जो है ना माफिया। ओ चचा, एकदम हाई क्वालिटी वाले नशा करके बैठे हो क्या? वो उसमें राम कृष्ण ऐसे नाम लेते हैं, यानी आपके बच्चे भूल जाते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा बोल रहा है, जो कह रहा है कि नाश्ता भी छोड़ दो, फ्ला कर दो, ये सब कुछ कर दो, ये सारा कुछ हो रहा है। अजीब हाल है, गेम खेलने वक्त इतना कौन सोचता है? भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे ये मैं कहां आ गया, ये कौन सी दुनिया है? ओहो यकीनन ये प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी है। कुछ भी कुछ भी। ये सब छोड़ो यार, ये तो अपने इधर भी चलता है। नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन आज भी देखिए मेरा साथी जो हर रोज मेरे साथ मौजूद होता है वो आज नहीं है। मुझे इस मुश्किल की घड़ी में छोड़ के चले। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा न्यूज चैनल है या कार्टून नेटवर्क, खुद का मजाक खुद ही बनाकर रख देते हैं ये न्यूज चैनल वाले। खौफनाक खतरनाक डिजिटल गेम इस वक्त खेला जा रहा है जिसे खेलने वाले यकीनन इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो वाकईतन डेथ ग्रुप है, किलर गेम। बॉर्डर पर इनको भेजो यार लड़ने, ये तो अपने शब्दों से ही दुश्मनों को मार गिराएंगे। वालिदैन इसी बात पर मुतमईन है कि बच्चा घर में और सामने तो बैठा है, लेकिन इतना पुरतशद्दुद गेम खेलते हुए जहन पर कितने मनफी असरात पड़ रहे हैं। क्या ओ मैडम, आपने जो शब्द अपनी जुबान से निकाले हैं इसके कोई मतलब भी है या जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो? यार इनके शब्दों को समझने के लिए लगता है अब मुझे उर्दू डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी। अगर कोई उर्दू जानने वाले भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे इसका मतलब समझाना, मेरे डिक्शनरी के पैसे बच जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? गेम जराइम और तशद्दुद को परवान दे रहा है, मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ा है। अरे बहन, इतनी खूबसूरत शक्ल मिली है फिर ऐसी मंद बुद्धि वाली बातें नेशनल न्यूज पर बोलकर क्यों रायता फैला रही हो? अगर पबजी नहीं तो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट नहीं तो कुछ और, ये गेम है, एक जाएगा तो दूसरा ऑलरेडी तैयार होता है आने को, तो फिर सिर्फ पबजी क्यों बदनाम हो रहा है भाई? ऐसे तो फिर सारे ही गेम बैन कर दो। सच्ची पाकिस्तानी जनता को पबजी बैन होने से भी ज्यादा दुख इन मोहतरमाओं के मुंह से निकले हुए शब्द सुनकर हो रहे होंगे। अरे ये लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल कैसे लेते हैं यार, मैं बोलने जाऊं तो ऐसा लगता है मानो जुबान खुद में ही उलझ कर नागिन डांस कर रहे हो। पबजी बैन होने से अगर न्यूज चैनल के बाद किसी को सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो वो है पेरेंट्स। पबजी बैन हो जाना चाहिए सच में। 100%। हाँ जी 100%। 100% बैन कर देना चाहिए पूरा। भाई ये तो दुनिया के हर पेरेंट्स की तमन्ना होती है, और आप भाई साहब आग में घी डालने वाला काम कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट ने बैन ना भी लगाया हो तो भी उस बेचारे बच्चे की पबजी आपने बंद करवा देनी है। पूरे खराब हो रहे हैं, पढ़ाई से पूरा ध्यान हट गया है, हम तो बोलेंगे अभी कभी बंद हो जाना चाहिए। हाँ तो जिसका बच्चा काम धंधा छोड़कर रात दिन गेम्स में लगा हो उसके पेरेंट्स से क्या आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे थे? बस 6 बजे से उठ के लेकर रात 10 बजे तक पबजी खेलने वाला बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ। ये अंकल जी का गुस्सा देखकर तो मुझे अपने पापा की याद आ गई। सॉरी कौन बोला, मैं क्यों बोल रहा। मगर पेरेंट्स भी सही है यार, अब डोरेमोन देखने की उम्र में बच्चा जाकर डोरा को रिवाइव दे रहा हो तो पेरेंट्स के मुँह से गालियाँ ही निकलेंगी, शाबाशी नहीं देंगे। अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पबजी गेम बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए?
क्योंकि मैं वो खेलता हूँ। बेटा पहले जाकर सुसु करना तो सीख लो, फिर खेल लेना पबजी। फेवरेट गेम है पबजी, तो ये बैन नहीं होनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ, इस बच्चे के हाथ में फोन किसने पकड़ा दिया? गेम्स में एज लिमिट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, कुछ मतलब भी होता है उसका। नहीं पता पबजी के बारे में बातें हो रही हैं कि इसको बैन करना चाहिए, बहुत देर देर तक आप लोग खेलते हैं और इसमें वायलेंस भी है, आपका क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि ना बैन हो, टाइम पास हो जाता आज का। टाइम पास हो जाता? ओहो, लौंडे का टाइम पास नहीं हो रहा। बेटा कभी जाकर अपनी क्लास की किताबें खोल लेना, तुम्हारे खुद के पास होने के लाने पड़े होंगे। लगभग एक घंटा खेलते हैं। सिर्फ एक घंटा खेलते हो? एक घंटे पापा वहाँ से बोल रहे हैं कि 10 घंटा खेलते हो आप। 10 घंटा मेरे पास टाइम ही नहीं है 10 घंटा का। इसे तुम अपने आप के साथ रिलेट कर सकते हो। अगर मम्मी के सामने कोई रिश्तेदार पूछे, बेटा तुम आजकल बहुत फोन यूज करते हो, आंटी एक्चुअली वो टाइम पास नहीं होता, तो मजबूरी में आकर मुझे ये कदम उठाना पड़ता है, यू नो ना, ओनली फॉर टाइम पास। टाइम पास हो जाता। और वही अगर पापा के सामने पूछा जाए, बेटा तुम बहुत फोन यूज करते हो आजकल, OMG अंकल ये क्या कह रहे हो आप, आई एम सो बिजी पर्सन, इन फुद्दू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं है 10 घंटा का। बट अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है कि एक बार गेम स्टार्ट करने के बाद बंद करना उतना ही मुश्किल होता है जितना इन कॉमेडियंस को रिलीजन के ऊपर जोक बनाने से रोकना। पबजी पे पाबंदी लगा दी है तो फिर आपको चाहिए आप शादी पे भी पाबंदी लगा दें। ओहो, शादी और पबजी का जो अद्भुत गठबंधन किया है भाई साहब ने, गजब। फिर तो आपको चाहिए फिर मोहब्बत करने पे पाबंदी लगा दें। ये है सिंगल लौंडों के रूह से निकली हुई आवाज। ये सरासर इंसाफी है जी। सरासर इंसाफी है? ना इंसाफी है। बेचारे भैया नाक और मुंह के बीच कंफ्यूज है कि मास्क कहाँ लगाए, और तुम इनकी इंसाफी और ना इंसाफी देख रहे हो। पबजी देखें, वैसे तो एक या गेम है। A few moments later, पबजी बंद हो गई, लाशें बचा देंगे लाशें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, लेमन जूस खाने की उम्र में विमल चबाओगे तो यही होगा। मैं अच्छा प्लेयर है ये पबजी, अच्छा प्लेयर है ये पबजी। वैसे ही कोई थोड़ी पागल हो जाते हैं। मोहब्बत करना आप कैसे बंद करवा सकते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये तो अलग ही डायरेक्शन में रोमांस चल रहा है। जी से मोहब्बत ही, पबजी से मोहब्बत हर किसी। खूबसूरत नाम है ये ना, बहुत खूबसूरत नाम है। खूबसूरत नाम है ये ना। भाई इतनी भी मोहब्बत ना कर लो कि डॉक्टर दवाई की जगह पबजी की डोजेस लिखने लगे। मैं ज्यादा नहीं, दिन में 2 बार और रात में 2 बार सोने के आगे। रात को सोने जाने से पहले 4 बार, और जब भी टाइम मिले 2 घंटे तो ले ही लेता हूँ। यहाँ पे मासूम बच्ची मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रही है। अभी क्या कर रहे हो? मैं भी गेम खेल रही हूँ। आपको नहीं पता ये आपके लिए कितना खतरनाक है? आपको पता है ना जो गेम्स होती हैं ये आपको, आपकी आंखों को भी खराब करती हैं, आपको जिस्मानी तौर पे कमजोर करती हैं। ये तो वरुण प्रोति की वीडियो से भी ज्यादा स्क्रिप्टेड है। क्योंकि ये मशीनें हैं, और मशीनें जो है ना, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। ये मशीनें मशीनें ही होती हैं, इनसे इंसानियत का जज्बा जो है बच्चों में कम हो जाता है। आंटी जी बैलगाड़ी पर बैठी हुई हैं, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, मशीन नहीं है ये, बैलगाड़ी है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन पबजी पे टैक्स लगा दी, अब आवाम कहाँ जाए? अब तो टैक्स आई गरीब के पे गया है, जो दीवार 500 कमाता है सारा टैक्स है ही उस पे, बड़ों पे टैक्स भी नहीं है। एक तो ये पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं, जा जाकर उन्हीं लोगों से पूछेंगे जिनसे ऐसे ऐसे जवाब मिलने वाले हो। पबजी पे तो टैक्स लगाने के बाद सारे कारोबार बंद हो गए, क्या कहते हैं? कारोबार बंद होनी है, ये 2 नंबर घूमता ही है, ये काम तो बंद होने हैं। ओए होए, मोहतरमा की मुस्कान तो देखो, क्या मस्त कंटेंट मिल गया ना चैनल के लिए। खाने पबजी ते भी टैक्स लगा तो उनके बगैर ते आवाम दा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, हुन की करेगी आवाम? ये सोचे कट करो, मेहरबानी करो, सारे गरीबों की सोचो। ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो गई? अपने भैया जी सही है यार, कंट्रोल करना चाहिए खुद के ऊपर। लेकिन A few moments later, 12 से 13 घंटा सिर्फ पबजी खेलते हो आप, कंट्रोल करना चाहिए खुद के ऊपर। Stop it. Get some help. और फिर तुम लोग बोलते हो पबजी बैन क्यों होता है? वैसे पाकिस्तान में पबजी बैन होने की एक बहुत बड़ी वजह खुद वहाँ की पब्लिक ही है, क्यों नहीं यकीन हो रहा? जो, 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 जो,
इधर रो। ऐसे ही कोई थोड़ी पागल हो जाते हैं। Stop it. Get some help. Squad बहुत ज़्यादा। मेरे पीछे आओ। चल। Squad आ रहा पूरा। अब मान गए? इरेंगल, मेरे पीछे आ जाओ सारे। सारे मेरे पीछे आ जाओ। I got supplies. नहीं, पुशिंग की में बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर लूट बहुत ज़्यादा होगी। यार वो स्क्वाड आ रहा है। पीछे हो जाओ। By the way, ये भाई साहब बस कुछ मिनट से बच गए। दीदी महिला हेल्पलाइन को कॉल लगाने ही वाली थी। स्क्वाड आ गई। नशा की ताई, स्क्वाड आ गई। ये भाई सोच रहे हैं अकेले अकेले पीकर आ गया। तो नहीं पीना तो होश रह। मिनू मैं पीना, मिनू नहीं चढ़ी तेनू चढ़ गई। यू नो ब्रो इज प्रो। बंदा हौसला कर। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बस आज के लिए इतना ही। शायद जब तक मेरी वीडियो आए तब तक पाकिस्तान में पबजी अनबैन भी हो गया हो। अगर मेरी ओपिनियन लो तो किसी भी गेम को बैन या अनबैन करना फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम खुद अपने दूध पीते बच्चे के हाथ में फोन थमा दोगे तो इसमें बेचारा सरकार क्या करे। हाँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर तुम वो लिमिट क्रॉस कर दोगे तो पापा की चार गालियां ही खा रहे होंगे, तारीफें नहीं बटोरोगे। और यार मैं देख रही हूँ नए लोग आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों? उस लाल वाले बटन को दबाने में प्रॉब्लम क्या है? प्लीज कर दो ना यार, इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और रिटर्न में तुमसे बस लाइक और सब्सक्राइब ही तुम मांग रही हूँ। कौन सी तुम्हारी आधी किडनी मांग ली। मजाक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।